IndianTimesDaily.com में आपका फिर से स्वागत है और अमेरिका की मुख्य 10 खबरें इस प्रकार हैं। यूएस और भारत ने समुद्री रक्षा और व्यापार और प्रौद्योगिक सहयोग बढ़ाने के साथ आपसी रक्षा संबंधों को बढ़ाने के बारे में चर्चा की। डिफेंस सेक्रेटरी जेम्स मैटिस ने कहा कि साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्रीय संस्थानों का समर्थन करने में और पूरे इलाके के निर्माण में भागीदारी करने में भारत की एक अहम भूमिका है। शरणार्थियों की अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूएस मेक्सिको की सीमा पर बनाए जाने वाली दीवार की नकल तैयार कर ली गई है। ये काम कैलिफोर्निया में शुरू किया गया है, जहां पर उन नकलों को खड़ा किया जाएगा और यूएस के सुरक्षा बल उसकी ध्यानपूर्वक निगरानी करेंगे। सोमवार को ओबामा केयर को रद्द करने वाले बिल को खारिज करके जीओपी सेनेटर सूजन कॉलिंस अपने दो और सहयोगियों की पंक्ति में शामिल हो गईं। ये कदम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जिन्होंने पिछला पूरा हफ्ता एक 7 साल पुराने रिपब्लिकन वादे को पूरा करने के लिए समर्थन जुटाने में लगा दिया। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने नॉर्थ कोरियन ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 2004 के रीऑथराइजेशन को मंजूरी दे दी है, जिसमें खासतौर से देश में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में कहा गया है। इस कानून में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन अथॉरिटीज को मुख्य सुधारों के बारे में बताता है, जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग से परे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस को प्रतिबिंब करता है। यूएस सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ट्रैवल बैन पर 10 अक्टूबर को होने वाली मौखिक सुनवाई नहीं सुनेगा। रविवार को ट्रंप द्वारा 8 देशों के नागरिकों की यूएस में प्रवेश पर पाबंदी लगाने के बाद कोर्ट दोनों पक्षों से ये सुनना चाहता है कि ये मुद्दा बहस के लायक है या नहीं। अगले साल ग्लोबल इकोनॉमी का तेजी से विस्तार होगा, जबकि इसे अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे उत्पादकता में कमी, आय में भारी असमानता और मुद्रास्फीति में कमी। हालांकि मजबूत ग्रोथ के लिए नीतियों के सही कॉम्बिनेशन की जरूरत होगी, खासकर लेबर और कैपिटल मार्केट्स को मजबूत करने के लिए। अमेरिका के एजुकेशन डिपार्टमेंट को देश के ग्रांट्स फंडिंग स्कूल्स में कम से कम $200,00,000 सालाना का निवेश करने का आदेश दिया गया है। राष्ट्रपति ने एक मेमोरेंडम पर साइन किया है, जिसमें STEM और कंप्यूटर साइंस से संबंधित एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी गई है, जिससे बच्चे आने वाले कल में काम के बोझ का मुकाबला कर पाएं और सफल हो पाएं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कम से कम 6 सहयोगियों ने कभी न कभी व्हाइट हाउस के ऑफिशियल काम के लिए अपने निजी ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल किया है। प्रशासन के पहले महीने में जब राष्ट्रपति की बेटी इवांका ट्रंप ने एक अनपेड एडवाइजर के रूप में काम किया था, तब उन्होंने भी अपने निजी ईमेल अकाउंट का इस्तेमाल किया था। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने लॉन्ग डिस्टेंस कॉल द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नासा के अंतरिक्ष यात्रियों से बातचीत की। पेंस ने एक्सपीडिशन 53 के कमांडर तथा फ्लाइट इंजीनियर्स को धन्यवाद दिया और कहा कि हम सब आपको हूबहू और सजीव देख पा रहे हैं। संभव है कि एंटी डेंगू एंटीबॉडी बेस्ड दवाई घातक जीका वायरस से पीड़ित एक माँ और उसके भ्रूण को बचा ले। चूहों पर किए गए एक प्रयोग में शोधकर्ताओं ने पाया है कि जो एंटीबॉडी दवा इंसान को डेंगू से बचाती है, वो जीका के खिलाफ भी अच्छा प्रभाव दिखाती है, क्योंकि दोनों वायरस में काफी समानताएं हैं। इसी के साथ हमारा न्यूज बुलेटिन अब समाप्त होता है। आप इंडियन टाइम्स डेली पर लॉकडाउन रहें, क्योंकि आगे हम लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड की खबरें। इसके अलावा आप इस पोर्टल पर अकाउंटिंग फर्म से लेकर वेडिंग प्लानर्स तक सभी अमेरिकन बिजनेसेस और रिसोर्सेज को ढूंढ सकते हैं। इंडियन टाइम्स डेली में हम सब चाहते हैं कि आपका आज का दिन शुभ एवं खुशगवार गुजरे।